अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आते हैं अपनी सील मुर्गी के पास। माशाल्लाह, आज मुर्गी ने हमारी ने अंडा दिया हुआ है और ये देखें, ये इसे तोड़ने की फुल कोशिश में है। ये देख रहे हैं आप, तो शुक्र है मैं टाइम से पहुंची हूँ तो ये अंडा बच गया, पर अंडे का साइज बहुत ही छोटा है। बट फिर भी यार बड़ी खुशी है, दो दिन से मुसलसल अंडा तोड़ रही है ये, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इसने अंडा बचा दिया। अब पता नहीं इसे कौन सी क्या बात है क्या नहीं है जो इसने अंडा छोड़ दिया है। इवन कि ये खुली भी है, सुबह की ही खुली हुई थी, बट चलो हमें खुले या बंद से क्या मतलब, हमें तो अंडे से करते और उसने अंडा दे दिया हमें, और वो भी सही सलामत अंडा मिला हमें, और क्या चाहिए मुझे। बाकी सब किधर है, बाकी सब लगता है आउटडोर के कुछ टैंकी के पीछे बैठे हैं। ये सब मस्तियां कर रहे हैं इधर बैठ के। हालांकि खुटा बहुत ठंडा है, पर पता नहीं क्यों ये सब इधर डर के मारे रहते हैं, या पता नहीं क्या वजह है यार, मुझे तो वजह भी नहीं पता कि ये क्यों इधर बैठी होती हैं, डर के मारे बैठती हैं या वैसे बैठती हैं। पर अगर डरने वाले तो है नहीं, माशाल्लाह इतना बड़ा ही है, कहाँ से डरेगा। अब इसका साइज देख सकते हैं, ये हमारे कालू साहब और ये रोटी खा रहे हैं। हम आते हैं अपने शेरू के पास, जो कि मेरा बब्बर शेर है। शेरू बेचैन है बाहर आने के लिए कि उसे किसी ना किसी तरह बाहर निकाल दिया जाए बस, क्योंकि इसको बाहर निकलने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं है। रोटी ज़ाया कर दी है गंदे ने, यार खानी नहीं होती ना तो ज़ाया मत किया कर, तेरी मेहरबानी है। ना तू खाएगा ना तू किसी दूसरे को खाने के देता। हाँ बस इधर आ, तुझे मैं बताऊं है गंदे, चल इधर आ जा, आ जा आ जा। लो शेरू निकल गया, फरार हो गया। अब शेरू और कालू सीधे हो रहे हैं दोनों लड़ने के लिए, एटीट्यूड में, फुल एटीट्यूड में, क्योंकि इन दोनों को रास ही नहीं एक छत पे दोनों रहे। पता नहीं क्या मसला है इन दोनों का, एक दूसरे को देखते हैं तो लड़ाई के लिए पागल हो जाते हैं। नीचे नहीं जाना, चल भैया इसको नीचे के, पता नहीं कौन सी आग लगी हुई, इसको नीचे भेज दो बस, और कोई काम ही नहीं है इसको। बाकी यार बहुत बहुत खुशी हो रही है कि यार इसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अंडा नहीं तोड़ा, वरना मुझे तो ये था कि ये अंडे तोड़ देगी, क्योंकि दो अंडे मुसलसल दो दिन में ज़ाया हुए और बड़ा दुख हुआ है कि यार दो दिन में दो अंडे ज़ाया कर दिए इसने, और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि एक तो आपने उम्मीद लगाई है कि आपने मुर्गी को बिठाना है और फिर वो अंडे तोड़ी जा रही है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह आगे भी नहीं तोड़ेगी। अवल तो मुझे लग रहा है कि बस अभी एक दो अंडे ही देगी, इसके बाद ये बस कर देगी।